अध्यक्षता में जैसा समिट का आयोजन हिंदुस्तान ने किया उसके पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी विश्व के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। अब एक सर्वे हुआ है जिसकी टॉप रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है। जी हां, आखिर ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे भरोसेमंद नेता माना गया, देखिए इस रिपोर्ट में। शोहरत का ये वो ग्राफ है जो G20 के आयोजन के बाद सामने आया है और यहाँ भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पीएम मोदी ने ही यहाँ बाजी मारी थी और अब ये भरोसा और मजबूत हुआ है। लगातार इस ग्लोबल रेटिंग में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ टॉप पर हैं बल्कि दूसरे नेताओं से बहुत आगे हैं। अमेरिकी सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट ग्लोबल रेटिंग में नरेंद्र मोदी को फिर एक बार जमकर वोट मिले हैं। नरेंद्र मोदी को 76% वोट मिले हैं, वहीं ब्राजील के लूला डा सिल्वा को 49% वोट मिले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज को 48% वोट मिले हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 42% वोट मिले हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को सिर्फ 40% वोट मिले हैं, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को 37% वोट मिले हैं। लाजमी है कि पीएम मोदी को मिली इस लोकप्रियता की वजह से बीजेपी बेहद खुश होगी। Because of the policies followed by the Prime Minister Modi, the world has started looking toward him. कहीं ये भी करीब करीब तय ही था कि चुनाव के पहले आए इस सर्वे पर कांग्रेस आग बबूला हो जाएगी, उसे ये फूटी आंख नहीं सुहाएगी। हुआ भी यही। ये कहना कि रेटिंग बढ़ गई है और घट गई है, ये बेबुनियाद बात है। भारत के अंदर मोदी जी की रेटिंग दिन ब दिन घटती जा रही। बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के कुल 42 देशों की सरकार के प्रमुखों की लोकप्रियता का आकलन किया है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों के नेता शामिल हैं। अध्यक्षता में जैसा समिट का आयोजन हिंदुस्तान ने किया उसके पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी विश्व के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। अब एक सर्वे हुआ है जिसकी टॉप रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है। जी हां, आखिर ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे भरोसेमंद नेता माना गया, देखिए इस रिपोर्ट में। शोहरत का ये वो ग्राफ है जो G20 के आयोजन के बाद सामने आया है और यहाँ भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पीएम मोदी ने ही यहाँ बाजी मारी थी और अब ये भरोसा और मजबूत हुआ है। लगातार इस ग्लोबल रेटिंग में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ टॉप पर हैं बल्कि दूसरे नेताओं से बहुत आगे हैं। अमेरिकी सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट ग्लोबल रेटिंग में नरेंद्र मोदी को फिर एक बार जमकर वोट मिले हैं। नरेंद्र मोदी को 76% वोट मिले हैं, वहीं ब्राजील के लूला डा सिल्वा को 49% वोट मिले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज को 48% वोट मिले हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 42% वोट मिले हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को सिर्फ 40% वोट मिले हैं, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को 37% वोट मिले हैं। लाजमी है कि पीएम मोदी को मिली इस लोकप्रियता की वजह से बीजेपी बेहद खुश होगी। Because of the policies followed by the Prime Minister Modi, the world has started looking toward him. कहीं ये भी करीब करीब तय ही था कि चुनाव के पहले आए इस सर्वे पर कांग्रेस आग बबूला हो जाएगी, उसे ये फूटी आंख नहीं सुहाएगी। हुआ भी यही। ये कहना कि रेटिंग बढ़ गई है और घट गई है, ये बेबुनियाद बात है। भारत के अंदर मोदी जी की रेटिंग दिन ब दिन घटती जा रही। बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के कुल 42 देशों की सरकार के प्रमुखों की लोकप्रियता का आकलन किया है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों के नेता शामिल हैं।